जनपद कासगंज के गंज डुडवारा कोतवाली परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्योहारों को शासन की गाइडलाइन के अनुसार मनाने की अपील की। आपको बता दें कि एसडीएम शिव कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, त्यौहार मनाते समय शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पैदा न हो। उन्होंने दीपावली पर बिक्री के लिए पटाखे नगर में हरनारायण इंटर कॉलेज में लगाने के निर्देश दिए हैं। बिक्री स्थल पर किसी भी हादसे से निपटने के सारे इंतजाम रखने के उपायों के बारे में भी कहा गया है। वहीं दादा रविंद्र ने कहा कि त्योहारों के साथ साथ सुरक्षा सबसे पहले है, इसके लिए त्यौहार मनाते समय शासन की गाइडलाइन का जरूर ध्यान रखें। इस मीटिंग में जैसा कि कोतवाली के एसएसआई जगमोहन जी ने और एसडीएम साहब शिव कुमार सिंह जी ने बताया, एक तरह से तो शांति समिति की बैठक थी, जिसमें विभिन्न बातों पर विचार किया गया। मुख्य तौर पर इसमें ये विचार किया गया कि जो लोग अब मास्क को छोड़ते चले जा रहे हैं, उन मास्क को अपनाना चाहिए, क्योंकि कोविड का इसका 19 का कोई सिवाय मास्क लगाने के फिलहाल कोई उपचार नहीं है। सैनिटाइजेशन करना, हाथों को धोना, मास्क लगाना, यही केवल एक उपचार की है। तो इसको सख्ती से हम लोग अनुशासन प्रिय होकर इसको लगाएं। दूसरे, दिवाली के संबंध में इसमें जिक्र हुआ था कि जो आतिशबाजी चलती है, जिससे शहर के अंदर अगर बिकती है तो दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। पिछले साल से हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि इसके लिए एक स्थान चिन्हित किया गया था, हरनारायण इंटर कॉलेज का कैंपस, बड़ा फील्ड है, वहाँ आग बुझाने के सारी चीज़ों की व्यवस्था यंत्रों की गई थी, पानी रेत की व्यवस्था की गई थी और वहाँ दुकानें लग गई थी। तो इस बारे में विचार किया गया था, तो उसमें एसडीएम शिव कुमार सिंह साहब ने विस्तृत तौर से जो अध्यक्षता कर रहे थे इस बारे में प्रकाश डाला।